जय माता दी दोस्तों, ये वीडियो जो है इट्स अ मस्ट वॉच अगर आप माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ने इम्प्लीमेंट करा है इनहांस सर्विलेंस मेजर्स, यानी कि ASM 5 जून को इम्प्लीमेंट हो गया है टू कप द वोलेटिलिटी इन माइक्रो कैप कंपनीज। माइक्रो कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैप इज लेस देन 500 करोड़। पैरामीटर्स शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ASM कैटेगरी के लिए प्योरली अर्थमेटिक है, विच इंक्लूड्स प्राइस डिफरेंस फ्रॉम हाई लो टू क्लोज प्राइस। दिस स्टॉक्स विल हैव सर्किट लिमिट ऑफ आइदर 2% और 5% और ट्रेडिंग होगी इसकी ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में, और ये स्टॉक्स अवेलेबल होंगे फॉर ट्रेडिंग ओनली वंस अ वीक, दैट इज मंडे विद पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस, और एक्सचेंज इसको मॉनिटर करेगा फॉर 3 मंथ्स एंड आगे चल के उसको लगेगा तो रिमूव करेगा फ्रॉम ASM कैटेगरी जब इसके अंदर वोलेटिलिटी जो है कंट्रोल हो जाएगी। देखिए मेरे ओपिनियन में यहाँ पैनिक करने की बात नहीं है। अगर आपने किसी माइक्रो कैप कंपनी में निवेश कर रखा है और वो ASM में आ गई है तो पैनिक करने की बात नहीं है, मतलब कि टेम्परेरी है। जिस तरीके से शेडो होती है ना, परछाई, वो दोपहर के समय कम हो जाती है, सुबह ज्यादा होती है, शाम को ज्यादा होती है, कठिन समय में धूप में कम हो जाती है। तो एक कठिन समय है माइक्रो कैप कंपनीज के लिए। अगर अच्छी कंपनी, अच्छे बिजनेस वाली कंपनी जो है ESM में आ गई है और बहुत नीचे गया है तो शेडो कम मानी है और लेने का समय है, पैनिक का समय नहीं है। और देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ओके प्ले को 111-112 रुपए के अराउंड रिकमेंड करा है और वो कंपनी भी ASM फ्रेमवर्क में आ गई है और मेरा जो है कन्विक्शन पूरा है यहाँ पर बिजनेस के ऊपर। और रिसेंटली अगर आप देखें तो FPI टेनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फंड ने ऑलरेडी 30 लाख वॉरेंट्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो बेसिकली क्या है, देखिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कठिन समय में, और चीज मैंने ये जीवन और लाइफ से सीखी है। देखिए जब मार्केट में आया था पहले बदला होता था, फिर बदला हो गया बंद, बैन हो गया बदला। तो जब बदला बैन हुआ तो मैं काफी पैनिक था, मुझे दिक्कत थी। तो उस समय मतलब कि धीरू भाई अंबानी जी अलाइव थे और मैंने मुकेश अंबानी जी का एक इंटरव्यू देखा था, वो किसी मैटर पर प्रेस में इंटरव्यू दे रहे थे और तो उनका बड़ा क्लियर इंटरव्यू था, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि पॉलिसीज आर बाउंड टू चेंज, किसी पॉलिसीज को लेके उनका इंटरव्यू था। तो आपको खुद देखना, उन्होंने बोला कि उस चेंज एनवायरनमेंट, चेंज पॉलिसीज में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो भैया आप ये ASM से आप फाइट तो कर नहीं सकते हैं, अच्छा बिजनेस है, अगर भाव नीचे का मिल रहा है, अच्छी कंपनी है, तो कठिन समय में मेरा ऐसा मानना है पैनिक नहीं करना चाहिए, बाय एंड होल्ड करना चाहिए। ओके प्ले को मैंने 111-112 के अराउंड रिकमेंड करा हुआ है, मेरे रिकमेंडेड प्राइस से ऊपर चल रहा है, मेरा ऐसा मानना है बिजनेस अच्छा है और यहाँ आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो कठिन समय में गिरावट पे मेरी खरीदारी की राय है। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न।